डिंडोरी जिले में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसका खुलासा सोशल ऑडिट में हुआ। यहां विकास के नाम पर कागजों में निर्माण कार्य हो गया, बकायदा राशि भी आहरित कर ली गई, लेकिन हितग्राहियों को कुछ पता ही नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। मामला डिंडोरी के अतरिया गाँव का है, जहाँ पेयजल कूप के नाम पर 2,30,000 रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन कूप का निर्माण किए बिना ही 2,10,000 रुपए निकाल लिए गए। यही नहीं, दो किसानों के नाम पर यहां कुएं का निर्माण दिखाकर 4,74,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि जमीन पर कुछ है ही नहीं। खुलासा तब हुआ जब ऑडिट टीम मौके पर पहुंची। इधर अतरिया गांव में ही 3 कुओं के नाम पर 14,50,000 रुपए और स्टाफ डैम के नाम पर भी घोटाला किया गया। तीनों कुओं में कहीं नहीं बना सर, वो ओनली कागजात में कुआ बना है, बाकी कुआ बने नहीं है। और बताया जा रहा है कि पूरा पैसा निकाल लिया गया है। वो साहब लोग आए थे, उन्हीं लोग ने बताया था कि फलाने के नाम से कुआं बना है, सार्वजनिक कुआं भी बताया जा रहा है। नहीं तो कोई यहाँ तो बने चाहिए सर, बिना बने राशि निकाल ली गई। हाँ, राशि तो निकाल लिया गया है, पता चला है। इस प्रकार के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कार्रवाई तो होना। इधर मामले को लेकर मझगांव के सरपंच का कहना है कि खुलासा 5 साल पहले हुए भ्रष्टाचार का है, उनके कार्यकाल से पहले का मामला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए अगर दोषी हैं वो तो। भ्रष्टाचार इससे स्पष्ट समझ में आता है कि हमारे पंचायत में मेरे कार्यकाल के पहले जो है भ्रष्टाचार हुआ। जनपद पंचायत के CEO CP साकेत जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। CEO ने बताया कि भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद तत्कालीन सरपंच सचिव, रोजगार सहायक और उप यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो मेरे द्वारा नोटिस सरपंच सचिव उपयंत्री GRS को जारी कर दी गई है, अभी इनका जवाब नहीं आया है। जवाब आ जाए इसके बाद जो नियमानुसार प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी। तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। अतरिया डिंडोरी से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कहीं भी मान सम्मान का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, न जनता की सम्मान का ध्यान रख रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे इन गांव में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।